I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this lecture will be in bilingual mode and useful for various teaching examinations. And we are going to start a new topic under educational psychology, that is personality. So first of all, we are going to start with the concept of personality. Okay, so as I have said that the lecture will be in bilingual mode, so I will speak in Hindi and my content will be in English. Okay, so हम लोग शैक्षिक मनोविज्ञान में बुद्धि का एक वृहद स्तर पर हमने उसका सारे टॉपिक्स कवर करते हुए आपसे बात हो गई है. और दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एजुकेशनल साइकोलॉजी में, वो है पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व. बहुत बहुत इस पर मैटर भी है, बहुत इसकी थेरीज हैं, बहुत पूछी भी जाती हैं, बिकॉज इतना सारा मैटर है तो प्रश्न भी बहुत बनते हैं इससे. तो ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, हमको हर हालत में पर्सनैलिटी पढ़ना होगा, पर्सनैलिटी को तैयार करना होगा. जैसे कि हमने इंटेलिजेंस कवर किया था, वैसे ही हम पर्सनैलिटी आज कंसेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी से शुरू कर रहे हैं. तो व्यक्तित्व बहुत ही ऐसा टर्म, ऐसा कंसेप्ट, ऐसा कंस्ट्रक्ट जिसको अभी तक भी हम लोग बहुत बेहतर तरीके से नहीं समझ पाए, लेकिन मनोवैज्ञानिक इस पर काम करते रहे हैं हजारों सालों से हमें समझाने के लिए कि पर्सनैलिटी क्या है. तो अगर हम इसकी लिटरल मीनिंग देखें, द लिटरल मीनिंग ऑफ पर्सनैलिटी इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड पर्सोना, द मास्क यूज्ड बाय एक्टर्स इन द रोमन थिएटर. रोमन थिएटर में उन दिनों बहुत पहले जब एक्टर्स काम करते थे तो एक मास्क लगा लेते हैं ना, मास्क लगा लेते थे, उसको पर्सोना कहा जाता था. वहां से पर्सनैलिटी निकल कर आया, ये शब्द हमको वहां से मिला है. देन पर्सनैलिटी हैज बीन स्टडीड फॉर ओवर 2000 इयर्स बिगिनिंग विद हिप्पोक्रेट्स इन 370 BCE, यानी कि ईसा पूर्व 370 ईसा पूर्व हिप्पोक्रेट्स जो हैं थे, उनकी जो स्टडीज हैं, उनकी जो बातें हैं, उन्होंने जो कहा है, वहां से हमको पर्सनैलिटी की शुरुआत मिलती है. वहां से आप कह सकते हैं कि पर्सनैलिटी पर अध्ययन शुरू किया गया. हिप्पोक्रेट्स कौन थे? अ फिजिशियन इन एंशियंट ग्रीस हु थियोराइज्ड दैट पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड ह्यूमन बिहेवियर्स आर बेस्ड ऑन फोर सेपरेट टेम्परामेंट्स एसोसिएटेड विद फोर फ्लूइड्स ऑफ द बॉडी नोन एज ह्यूमर्स. मतलब बहुत पहले की बात है, तब साइकोलॉजी बिल्कुल कोई इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी नहीं थी, ये साइंस इतना बना नहीं था, इस पर इतना लिटरेचर नहीं था. तो उस वक्त ये थियोराइज कर रहे हैं, ये सिद्धांत दे रहे हैं कि जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड ह्यूमन बिहेवियर्स, मतलब कि पर्सनैलिटी ट्रेट व्यक्ति का या व्यक्ति का बिहेवियर जो है वो चार सेपरेट टेम्परामेंट पर बेस्ड करता है, मतलब चार तरीके का हो सकता है. और वो डिपेंड किस पे करता है? फोर फ्लूइड्स ऑफ द बॉडी. मतलब उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में वो चार प्रकार के द्रव हैं, और उन द्रवों में कौन सी मात्रा ज्यादा है, कौन सी कम है, उसके हिसाब से उसका टेम्परामेंट सेट होता है और वही उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट बन जाता है. तो चूंकि अभी हम ट्रेट थ्योरी या टाइप थ्योरी या थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी की बात नहीं कर रहे, इसलिए इस बात को हम यहीं रोक देंगे. इसको हमने सिर्फ इस संदर्भ में जाना है यहाँ कि पर्सनैलिटी को हम हिप्पोक्रेट्स जी के जमाने से जानते हैं. देन कंसेप्ट, क्या है पर्सनैलिटी का कंसेप्ट? Psychologists have attempted to explain the concept of personality in terms of individuality and consistency. मतलब जब इस पर बात शुरू की गई, जब इसको सोचा गया कैसे कैसे इसको परिभाषित करना है, इसका संप्रत्यय क्या है, तो ये जाना गया कि मनोवैज्ञानिकों ने हमें ये बताया कि हम दो तरीके से पर्सनालिटी के कंसेप्ट को डिफाइन कर सकते हैं या कंसेप्ट उसका हो सकता है. कैसे? इंडिविजुअलिटी और कंसिस्टेंसी. मतलब ईच इंडिविजुअल इज यूनिक, ईच इंडिविजुअल हैज डिफरेंट पर्सनैलिटी. तो इंडिविजुअलिटी तो है हमारी, जैसे हम हैं वैसे आप नहीं, जैसे आप हैं वैसे दूसरा नहीं है. और जो ये हमारी इंडिविजुअलिटी है उसको हम कंसिस्टेंटली अपने बिहेवियर में शो करते हैं, है ना. ऐसे थोड़ी कि हम आज कुछ और हैं, कल कुछ और हैं, परसों कुछ और हो जाएंगे. नहीं, हम जो हैं वो हैं, वो हमारे ट्रेट का हिस्सा है, हमारे कैरेक्टर का हिस्सा है, हमारे पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट होता है, तो वो वैसा ही है. यानी कि इंडिविजुअलिटी और कंसिस्टेंसी का ये रोल है कंसेप्ट में, पर्सनैलिटी में. ओके, देन कंबाइनिंग दीज नोशंस ऑफ इंडिविजुअलिटी एंड कंसिस्टेंसी, पर्सनैलिटी कैन बी डिफाइंड एज द डिस्टिंक्टिव, विशिष्ट है, यूनिक है, वेज इन विच ईच इंडिविजुअल थिंग्स फील्स एंड एक्ट्स विच कैरेक्टराइज अ पर्सन रिस्पॉन्स थ्रू आउट लाइफ. देखिए, थ्रू आउट लाइफ, पूरे जीवन भर हम लोग वैसे ही रहते हैं. ऐसा नहीं आधा जीवन हम दूसरी पर्सनैलिटी और आधे में दूसरी हो जाएगी. बाद में हम ये जानेंगे कि डायनेमिक है, थोड़ा बहुत उसमें चेंज पॉसिबल है.
तो कैसे डिफाइन किया इन्होंने व्यक्तित्व को, कि व्यक्तित्व क्या है, वो विशिष्ट तरीके हैं जिससे कि कोई व्यक्ति सोचता है, महसूस करता है, क्रिया करता है, और जो उसके चरित्र को, उसके व्यवहार को, उसके ट्रेट को, जो उसके रिस्पॉन्स को थ्रू आउट लाइफ कैरेक्टराइज करता है। देन दी थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस, कौन सी तीन चीजें निकल के आई, थॉट्स हमारे विचार, फीलिंग्स हम क्या महसूस करते हैं, एंड एक्शंस हम क्या करते हैं, दैट आर परसीव्ड एज रिफ्लेक्टिंग इन एन होना चाहिए था, एन इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी टिपिकली हैव थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ से निकल कर आता है कि तीन विशेष गुण आते हैं निकल के पर्सनैलिटी के, कौन से, थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस, यानी हमारे इस विचार, हमारी हम जो महसूस करने की क्षमता है, और हमारे कार्य, आर कंसिडर एज बिहेवियरल कंपोनेंट्स ऑफ आइडेंटिटी दैट मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स। मतलब ईच इंडिविजुअल के पास डिफरेंट थॉट है, डिफरेंट फीलिंग्स है, डिफरेंट एक्शन है, फिर इंडिविजुअल वाइज ये जो है वो चेंज होता रहता है, थॉट, फीलिंग्स और एक्शंस, और हमारा बिहेवियरल कंपोनेंट है, मतलब वो दिखता है व्यवहार में, है ना। देन बिहेवियर्स आर व्यूड, यहाँ स्पेलिंग गलत हो गई, डबल आर हो गया, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है कभी कभी टाइपिंग में, आप प्लीज इसको इग्नोर कीजिए। बिहेवियर्स आर व्यूड एज बीइंग प्राइमरीली कॉज्ड बाय इंटरनल रादर देन एनवायरमेंटल फैक्टर्स। और बिहेवियर को क्या कहा जाता है, कि वो वातावरणीय कारकों से कम प्रभावित होता है, हमारे आंतरिक जो हमारा चरित्र है, आंतरिक जो उसके डिटरमिनेंट्स हैं, उनसे ज्यादा प्रभावित होता है। Then the behavior of the person seem to have organization and structure. तो हमारा व्यवहार ऐसे नहीं है कि कुछ भी है, उसका भी एक organization है, उसकी भी एक संरचना है, संगठन है ना। तो concept personality का हमको ये समझ में आया कि individuality और consistency के notion को combine करके निकाला गया है। Okay. देन हिस्टोरिकल वर्क, अगर हम जाने कि हिस्ट्री में कौन कौन से इस पर काम हुए, कौन से सिस्टमैटिक स्टडीज की कब शुरू हुई, तो दिस सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पर्सनैलिटी इज ए रिकॉग्नाइजेबल एंड सेपरेट डिसिप्लिन विद इन साइकोलॉजी। मतलब साइकोलॉजी में भी पर्सनैलिटी को कब एक अलग डिसिप्लिन के तरीके से पढ़ना शुरू किया गया, मे बी सेट टू हैव बिगन इन द 1930s, 1930 में इस पर आप कह सकते हैं कि सही तरीके से काम शुरू हुआ, विद द पब्लिकेशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ टू टेक्स्ट बुक्स। दो टेक्स्ट बुक पब्लिश हुई यूनाइटेड स्टेट्स में, कौन कौन सी, साइकोलॉजी ऑफ पर्सनैलिटी 1937 में लिखी जा रही है बाई रॉस स्टैगनर के द्वारा, एंड पर्सनैलिटी अ साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन 1937 में ही लिखी जा रही है बाई गॉर्डन डब्ल्यू ऑलपर्ट के द्वारा। आप थोड़ा भी जानते होंगे साइकोलॉजी के बारे में, तो ऑलपर्ट की ही डेफिनेशन सबसे ज्यादा फेमस भी है साइकोलॉजी में, पर्सनैलिटी में, तो ऑलपर्ट साहब का बहुत काम है पर्सनैलिटी पर। फिर फॉलोड बाई दो और किताबें हमको मिलती हैं, हेनरी ए मुरेज का एक्सप्लोरेशंस इन पर्सनैलिटी, और बाद में पर्सनैलिटी अ बायो सोशल अप्रोच टू ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर। अच्छा, यहाँ राइटर का नाम छूट गया है, ठीक है। तो ये दो किताबें जो मेन है, साइकोलॉजी ऑफ पर्सनैलिटी और पर्सनैलिटी अ साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन, ये मेनली एक सिस्टमैटिक स्टडी पर्सनैलिटी की शुरू करती हैं, और हम ये मानने लगते हैं कि इसके बाद से साइकोलॉजी में पर्सनैलिटी को एक अलग सेपरेट डिसिप्लिन की, रिकॉग्नाइजेबल डिसिप्लिन की संज्ञा मिल जाती है, स्थान मिल जाता है। ओके, देन डेफिनेशंस, बहुत सारी डेफिनेशन पर्सनैलिटी की हमको मिलती है पढ़ने के लिए, कौन कौन सी। पर्सनैलिटी इज द रिलेटिवली स्टेबल सेट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट दैट डिस्टिंग्विश वन पर्सन फ्रॉम अनदर। देखिए कितनी सटीक और छोटी डेफिनेशन है, लॉरेंस एरविन साहब हमको बता रहे हैं कि पर्सनैलिटी क्या है, रिलेटिवली स्टेबल सेट है, मतलब हम कह रहे हैं ना, स्टेबिलिटी शो करते हैं, कंसिस्टेंसी शो करते हैं हम अपने बिहेवियर में साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स का, मतलब वो गुण जो मनोवैज्ञानिक गुण है हमारे, जिससे कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग पहचाना जाता है। ओके, देन पर्सनैलिटी इज द सम टोटल ऑफ वेज इन विच एन इंडिविजुअल रिएक्ट्स एंड इंटरैक्ट्स विद अदर्स। स्टीफन पी रॉबिन्स कह रहे हैं कि पर्सनैलिटी क्या है, सम टोटल, वो सारा समेकित है, संपूर्ण होल है, जिससे कि मतलब उसमें सब कुछ आ जाएगा ना, सम टोटल में एवरीथिंग, साइकोलॉजिकल, मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, बिहेवियर, एनीथिंग, इन विच एन इंडिविजुअल रिएक्ट्स एंड इंटरैक्ट्स विद अदर्स, जिसमें कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कैसे रिएक्ट करता है, कैसे इंटरैक्ट करता है, वही तो हमारी पर्सनैलिटी है। Then it is made up of three major systems. ये सिगमंड फ्राइड साहब कह रहे हैं, सिगमंड फ्राइड साहब का इड, ईगो एंड सुपर ईगो का कंसेप्ट है, एवरीथिंग एवरीबडी नोज, एंड द ह्यूमन बिहेवियर इज द प्रोडक्ट ऑफ इंटरैक्शन अमंग दीज सिस्टम। ये कह रहे हैं कि जो इड, ईगो और सुपर ईगो का सिस्टम है, इसी का जो इंटरैक्शन निकल के आता है, वही हमारी पर्सनैलिटी है, ये सिगमंड फ्राइड कह रहे हैं। वीनबर्ग एंड गोल्ड क्या डिफाइन कर रहे हैं पर्सनैलिटी को, कैरेक्टरिस्टिक्स और ब्लेंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक्स अ पर्सन यूनिक। देखिए सबकी लगभग डेफिनेशन में यूनिकनेस आ रही, क्यों, क्योंकि ईच पर्सनैलिटी इज यूनिक। हम कहीं ये नहीं हो सकता है कि दो लोगों की पर्सनैलिटी बिल्कुल एक जैसी, नहीं, क्योंकि ये सम टोटल है, एग्रीगेट, इतनी चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं, है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक्स और ब्लेंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि गुण या जो गुणों का मिश्रण है, जिससे कि हम यूनिक बनते हैं, वही पर्सनैलिटी है।
ओके अब आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी, दी मोस्ट साइटेड डेफिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी विच वॉज गिवन बाई ऑल्पर्ट. आपको जानना चाहिए कि ऑल्पर्ट साहब ने लगभग 50 साइकोलॉजी की पर्सनालिटी की डेफिनेशंस की एनालिसिस करने के बाद अपनी डेफिनेशन दी, और 1937 में ये जो डेफिनेशन दे रहे हैं उसको खुद वो 1961 में और इलेबोरेट करके और क्लियर कर दे रहे हैं. तो इसका मतलब कितना काम इन्होंने पर्सनालिटी पर किया है. ऑल्पर्ट साहब कैसे डिफाइन कर रहे हैं, डिफाइन पर्सनैलिटी एज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल, यानी कि व्यक्ति के अंदर ही है एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन. मतलब स्टैटिक नहीं है कि एकदम रिजिड और एकदम जैसे थ्रू आउट दी लाइफ हम रहते हैं कंसिस्टेंसी शो करते हैं, बट इट इट इज डायनेमिक, इट कैन बी चेंजिएबल. कुछ बहुत अलग सा कुछ जीवन में हो जाएगा आपके, तो पर्सनैलिटी डिस्टर्ब्ड भी होती है, ब्रोकन भी होती है, चेंज भी होती है. तो पर्सनैलिटी एज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दोज साइको फिजिकल सिस्टम्स, यानी साइकोलॉजिकल सिस्टम भी चल रहा है, हमारा फिजिकल सिस्टम भी चल रहा है, हमारी फिजिक भी उसमें इन्वॉल्व है, हमारी साइकोलॉजी भी उसमें इन्वॉल्व है. दैट डिटरमाइन, जो कि सुनिश्चित करती है हिज यूनिक एडजस्टमेंट टू वंस एनवायरमेंट, यानी कि व्यक्ति का उसके वातावरण के प्रति जो यूनिक एडजस्टमेंट है. हम वातावरण के प्रति कैसे एडजस्ट कर रहे हैं, आप कैसे एडजस्ट कर रहे हैं और आप कैसे एडजस्ट कर रहे हैं, एवरीथिंग एवरी एडजस्टमेंट इज यूनिक. बिल्कुल भी दुनिया के दो आदमी, दो व्यक्ति, दो इंडिविजुअल अपने वातावरण के प्रति एक प्रकार एडजस्टमेंट शो नहीं करते हैं. तो क्यों, क्योंकि ये हमारा साइको फिजिकल सिस्टम का ये डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है. तो यही पर्सनालिटी है. दिस सजेस्ट दैट देयर इज एन इनर पर्सनालिटी दैट गाइड्स एंड डायरेक्ट्स इंडिविजुअल्स बिहेवियर. तो ये क्या शो करती है, ये सजेस्ट करता है कि व्यक्ति के इन अंदर की जो पर्सनालिटी, जो अंदर का व्यक्तित्व है, वही हमको गाइड करता है, हमको दिशा निर्देशित करता है, हमको बताता है कि किस प्रकार का हमको व्यवहार करना है. तो जो यूनिक एडजस्टमेंट था, इस पर बाद में कोई भी चीज आती है लिटरेचर में तो उस पर बहुत क्रिटिक भी उसके हो जाते हैं. तो हुआ कि भाई यूनिक एडजस्टमेंट नहीं समझ में आ रहा है, क्या चीज यूनिक कैसे है. तब ये अपने पर डेफिनेशन को और इलेबोरेट करते हैं और कहते हैं यूनिक एडजस्टमेंट में आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर एंड थॉट. देखिए ये अपनी डेफिनेशन चेंज कर दे रहे हैं, पर्सनैलिटी इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दो साइकोफिजिकल सिस्टम्स दैट डिटरमाइन हिज कैरेक्टरिस्टिक्स बिहेवियर एंड थॉट. तीन चीजें बता दी, गुण, व्यवहार और विचार, ये तीन मिलकर यूनिक एडजस्टमेंट इंडिविजुअल का शो करता है उसके एनवायरनमेंट के साथ. तो 1937 के बाद 1961 की दो डेफिनेशन मिला के अगर आप लिखते हैं पर्सनालिटी की डेफिनेशन, तो इट इज वेल एंड गुड, इट इज अ होलिस्टिक डेफिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी. ओके, देन व्हाट डिटरमाइंस पर्सनैलिटी, हमारे व्यक्तित्व को कौन निर्धारित करता है. तो बहुत सारी फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस इस पर बन सकते हैं. फ्रीडम वर्सेस डिटर्मिनिज्म, यानी कि हम स्वतंत्र हैं या कोई निर्धारक तत्व हमारे ऊपर है जो हमारी पर्सनालिटी डिटरमाइन कर रहा है. हाउ मच इफ एनी ऑफ एन इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी इज अंडर देयर कॉन्शियस कंट्रोल, मतलब कितना हम कंट्रोल करते हैं अपनी पर्सनालिटी को, कितना पर्सनालिटी बाहरी या अंदर आंतरिक तत्वों द्वारा निर्धारित होती है. तो फ्रीडम वर्सेज डिटर्मिनिज्म ना, हम स्वतंत्र हैं अपनी पर्सनैलिटी निर्धारित करने के लिए या हम स्वतंत्र नहीं है, मतलब हम कितना कंट्रोल है. देन हेरिडिटी वर्सेज एनवायरमेंट, ये तो नेचर नर्चर बैलेंस, आपको नेचर नर्चर डिबेट तो पर्सनैलिटी साइकोलॉजी में हर एस्पेक्ट में मिल जाएगा कि हमारी जीन्स ज्यादा रोल प्ले करते हैं या हमारा एनवायरनमेंट ज्यादा इम्फेसिस शो करता है हमारी पर्सनैलिटी पे, कौन करता है. यूनिकनेस वर्सेस यूनिवर्सैलिटी, हम यूनिक तो हैं लेकिन यूनिवर्सल गुण भी तो है ना मनुष्य के कुछ, तो यूनिकनेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है या यूनिवर्सैलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन ज्यादा निर्धारक तत्व है, कौन ज्यादा निर्णायक है. एक्टिव वर्सेस रिएक्टिव, इज ह्यूमन बिहेवियर पैसिवली शेप्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स और आर ह्यूमंस मोर एक्टिव इन दिस रोल, मतलब क्या मानव का व्यवहार जो है, मतलब एक्टिवली हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम पैसिवली एनवायरमेंटल के द्वारा शेप कर दिए जा रहे हैं या हम ज्यादा उसमें अपना निर्णायक रोल प्ले कर रहे हैं, है ना. देन ऑप्टिमिस्टिक वर्सेस पेसिमिस्टिक, आर ह्यूमंस इंटीग्रल इन द चेंजिंग ऑफ देयर ओन पर्सनैलिटीज और नॉट. तो ये सारे फिलोसॉफिकल क्वेश्चन साइकोलॉजिस्ट्स के मन में उठे, उन्होंने निकाल कर हमको दिए कि इतनी प्रकार से ये क्लैशेस चलते हैं, ये टग ऑफ वॉर चलता है हमारी पर्सनालिटी के निर्माण में. देन कैरेक्टरिस्टिक्स, अब हम इतनी डेफिनेशन पढ़ने के बाद, पर्सनालिटी को जानने समझने के बाद, उसके कुछ गुण बता सकते हैं जो कॉमन है. क्या पर्सनैलिटी क्या होगी, कंसिस्टेंट होगी. देयर इज जनरली अ रिकॉग्नाइजेबल ऑर्डर एंड रेगुलरिटी टू बिहेवियर्स, मतलब हम किसी को बता सकते हैं कि वो पंक्चुअल है, वो डिसिप्लिन है, वो तुनक मिजाज है, उसको बहुत जल्दी गुस्सा आती है, वो चीज़ों को ईजिली हैंडल नहीं कर पाता है, वो एनेक्शियस हो जाता है तकलीफ आने पर. और कुछ लोग इसके विपरीत, कैप्टन धोनी, कैप्टन कूल है ना, तो
कंसिस्टेंटली अगर आप वो ट्रेट शो कर रहे हैं अपने बिहेवियर में, इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सनैलिटी, रिकॉग्नाइजेबल ऑर्डर, मतलब हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये सिचुएशन आएगी तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे. देन साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल. पर्सनैलिटी इज साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट, नो डाउट, बट रिसर्च सजेस्ट दैट इट इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाई बायोलॉजिकल प्रोसेस इन नेस. मतलब मनोवैज्ञानिक कंस्ट्रक्ट तो है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं, लेकिन हमको अनुसंधान ने ये भी बताया है कि बायोलॉजिकल प्रोसेस और नीड से भी ये प्रभावित होती है ना हमारी फिजिक, क्योंकि इसीलिए तो उसको साइकोफिजियोलॉजिकल सिस्टम कहा जा रहा है. देन बिहेवियर्स एंड एक्शंस. पर्सनैलिटी नॉट ओनली इन्फ्लुएंसेज हाउ वी मूव एंड रिस्पॉन्ड इन अवर एनवायरमेंट, बट इट ऑल्सो कॉजेज अस टू एक्ट इन सर्टेन वेज. मतलब वो कह रहे हैं ना कि कैरेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियर्स एंड थॉट्स, थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस, कि पर्सनैलिटी केवल हमको ये प्रभावित नहीं करती कि हम किस तरीके से चलेंगे, किस तरह से आगे बढ़ेंगे, किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे अपने वातावरण के प्रति, बल्कि वो पर्सनैलिटी कारण भी है कि हम कोई काम क्यों कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमारी पर्सनैलिटी ही ऐसी है. ओके, देन मल्टीपल एक्सप्रेशंस. इट इज डिस्प्लेड इन मोर देन जस्ट बिहेवियर. क्यों, सिर्फ बिहेवियर में नहीं दिख रहा है ना, थॉट्स में दिख रहा है, एक्शंस में दिख रहा है, फीलिंग्स में दिख रहा है, यानी कि पर्सनैलिटी हमारी मल्टीपल एक्सप्रेशंस शो करती है. ओके, देन कंक्लूजन. हम कैसे निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं अगर हम व्यक्तित्व पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो? इट मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेंटल एज वेल एज द फिजिकल हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी हमारा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का जो संगठन है वो है पर्सनैलिटी हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि इट इज एग्रीगेट ऑफ एन इंडिविजुअल्स फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट. हमारा शारीरिक, हमारा मनोवैज्ञानिक, हमारा जो व्यवहार की एस्पेक्ट है, उन सबका एग्रीगेट है पर्सनैलिटी. या इट इज मेडअप ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न्स ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स एंड behaviors of an individual. These attributes make a person unique. ये ध्यान देना है. हमारे characteristic है हमारा thought, हमारी feeling, किस चीज को हम किस angle से देखते हैं, कैसे समझते हैं, है ना, क्या व्यवहार है हमारा, और ये जो सब इनका aggregate है वही हमको unique बनाता है. तो हम क्या कह सकते हैं, we can say that it is a pattern of collection of character and trait. Character, देखिए जब भी character की बात होती है तो value judgment आ जाता है उसमें, है ना. तो हमारा कैरेक्टर प्लस हमारा ट्रेट, ट्रेट का मतलब ये है कि कंसिस्टेंटली जो हम बिहेवियर शो कर रहे हैं, इनके कॉम्बिनेशन को, इनके कलेक्शन को आप कह सकते हैं, इनके पैटर्न का जो कलेक्शन है, इनके कलेक्शन का जो पैटर्न है वो हमारी पर्सनालिटी है. ओके, तो आई होप कि आई विल बी क्लियर इनफ टू कॉम्प्रिहेंड यू द टॉपिक ऑफ द कंसेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी. ओके, सो थैंक यू ऑल. And don't forget to like and subscribe my channel. To find this channel on Telegram, scan to join this or type explore education and join my Telegram group, where you can find learning materials, you can ask your query, you can provide me feedback too. Okay, done from my side.